तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड मैन अदर वीडियो। तो गाइस, अगर आप मेरे को यूट्यूब में पहले से फॉलो करते आ रहे होंगे तो आप लोगों को आई थिंक पता होगा कि मैं मेरे 220 मतलब कि पल्सर 220 में ऑलमोस्ट सब मॉडिफिकेशन करके रखा हूँ। ठीक है, मतलब ऐसा कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं है कि मतलब बचा है मेरे बाइक में करने के लिए, बचा है या कुछ ऐसा। तो गाइस हाँ, दो मॉडिफिकेशन सिर्फ बचे थे, उसमें से गाइस मैंने 2 दिन पहले एक मॉडिफिकेशन कर लिया है। अगर वो वाला वीडियो आपने जाके नहीं देखा हो तो गाइस मैं आईकन पर उसका लिंक एंड डिस्क्रिप्शन पर उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। इन शॉर्ट गाइस, मैंने वहां पर बताया था कि कैसे आप अपने पल्सर 220 के हाइट को इंक्रीज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप अपने 220 के हाइट को सिर्फ इंक्रीज कर सकते हो, आप कौन से भी बाइक किसी भी बाइक के हाइट को इंक्रीज कर सकते हो वो क्लैंप यूज करके। ठीक है, अगर आप वो वाला वीडियो फुल डिटेल में देखना चाहते हो गाइस तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, आप चाहो तो वीडियो वहां से जाकर देख सकते हो। एंड गाइस, उसी के साथ और एक मॉडिफिकेशन मेरा सिर्फ बचा है, वो एक की मतलब मेरा बाइक का सीट कवर, मतलब ऑलमोस्ट सब मॉडिफिकेशन मेरा किया हुआ है, सिर्फ सीट कवर नहीं लगाया। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना सीट कवर लगाया जाए, जो मॉडिफिकेशन का वो चैप्टर है वो फुल क्लोज कर दिया जाए। तो इसलिए गाइस मैं आज जाऊंगा, देखूंगा, मेरे दिमाग में एक दो आइडियाज है मतलब सीट कवर के डिजाइन के ऊपर, तो देखता हूँ कौन सा डिजाइन करता हूँ एंड करने के बाद कैसे लगता है। तो लास्ट में आप लोगों को मैं रिजल्ट दिखा दूंगा, तो गाइस वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक जरूर देखना। एंड गाइस, उसी के साथ मैं मेरे लास्ट वीडियो पर मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा बाइक बहुत ही गंदा हो चुका है, तो आज मैं बाइक को वॉशिंग भी कराऊंगा एंड उसके बाद आप लोगों को सीट कवर दिखाऊंगा। तो चलो गाइस डायरेक्टली दुकान पे चल जाते हैं, क्योंकि मेरे फोन में उतना ज्यादा चार्ज नहीं है, मतलब 15-16% चार्ज है, तो मेरे को इससे काम चलाना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्टली सीट कवर के दुकान में जाके आप लोगों से मिलता हूँ एंड देखते क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो मैं दुकान पे आ चुका हूँ एंड भैया को मैंने डिजाइन बता दिया एंड भैया ने काम भी स्टार्ट कर दिया, जैसे कि आप देख ही सकते हो। तो गाइज, मैंने रोड पे ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया आने के टाइम, क्योंकि मेरा फ़ोन में बैटरी बहुत ही कम है एंड मेरे को इसके बाद वॉशिंग का भी वीडियो शूट करना है अगर फ़ोन स्विच ऑफ हो जाए, तो इसलिए मैंने नहीं किया था। तो गाइज, आप देख ही सकते हो भैया ने ऑलरेडी काम स्टार्ट कर दिया एंड आई थिंक कि 5-10 मिनट में काम हो जाएगा एंड उसी के बाद मैं लगा भी लूँगा मेरे बाइक पे। तो अभी मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा, लगाने के बाद फुल वॉशिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा एंड देन मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा दूंगा कि सीट कवर लगाने के बाद कैसा लग रहा है बाइक दिखने में एंड मेरा बाइक भी कैसा चमक रहा है वॉशिंग के बाद या नहीं, तो सब कुछ मैं लास्ट में आप लोगों को दिखा दूंगा। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, स्किप मत करना एंड वीडियो पसंद आए तो गाइस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। तो गाइस, मैं और ज़्यादा बात नहीं करता हूँ क्योंकि भैया को भी डिस्टर्ब हो रहा है काम करने में, तो आप लोग वीडियो का एंजॉय लो, मैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद फिर से मिलता हूँ। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हो मेरा सीट कवर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है एंड भैया अभी मतलब इसको सेट कर रहा है मेरे सीट में एंड इसके बाद थोड़ा काम है इसको थोड़ा फिनिशिंग टच देने का। तो अभी मैं आप लोगों को सीट कवर नहीं दिखाऊंगा अच्छे से, इसके बाद मैं अपना बाइक को वॉश करने ले जाऊंगा एंड उसके बाद मैं आप लोगों को अच्छे से फुल लुक दिखा दूंगा। तो फ्रेंड्स, मैंने सीट कवर मेरे बाइक पर लगा लिया है एंड हम लोग अभी सीट कवर के दुकान से निकल चुके हैं एंड जहाँ पर मैं अपना बाइक वॉश कराता हूँ वहाँ पर मैं जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, ठीक है, ऐसे भी मेरा मोबाइल पे चार्ज कम ही है, तो आप लोग सिनेमैटिक शॉट का एंजॉय लो एंड मैं वहाँ पर जाकर आप लोगों से डायरेक्टली मिलता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो मैं मेरे बाइक को लेकर आ चुका हूँ जहाँ पर मैं हमेशा मेरे बाइक को वॉश कराता हूँ एंड भैया ने ऑलरेडी काम भी स्टार्ट कर दिया है। तो मिलते हैं वॉशिंग के बाद, तब तक आप वीडियो को फुल एंजॉय करो।
एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों को वहाँ पर नहीं दिखा पाया मेरा बाइक कैसा लग रहा है वॉशिंग के बाद एंड सीट कवर लगाने के बाद, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा क्योंकि चार्ज बहुत ही कम है। तो इसलिए गाइज मैं घर पर आ चुका हूँ अभी एंड अभी आप लोगों को मैं सब कुछ डिटेल में दिखा देता हूँ। तो गाइज आप लोग वीडियो का एंजॉयमेंट लो। वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो गाइस करना कि आप सभी को मालूम है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे एट होम, स्टे सेफ।